हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का हलवा। लौकी तो ऐसे हम बहुत तरह से बना के खाते हैं, लेकिन लौकी के हलवे की बात ही कुछ और है। इसको हम जनरल डेज में भी बना के खा सकते हैं और व्रत के लिए तो ये स्पेशली बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है। तो चलिए हम बनाते हैं लौकी का हलवा। लौकी का हलवा बनाने के लिए मैंने ये 1 लीटर दूध लिया था और इसको मैंने जला के करीब आधा कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये लौकी जो मैंने ऑलरेडी कद्दूकस करके रखी है। ये मैंने इसको अच्छी तरह से कद्दूकस करके रखा है। तो अब मैं लौकी को इस जले हुए दूध में डाल देती हूँ। अब मैं इसको इसके साथ पकने दूंगी। ये लौकी को मैं दूध के साथ पका रही हूँ। इसको करीब करीब मैं आधे घंटे तक पकाऊंगी। दूध काफी सूख गया है तो मैं इसमें अब मिला दे रही हूँ चीनी। इसको पकाते हुए मुझे 20-25 मिनट हो गए हैं तो अब मैं इसमें चीनी मिला दे रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी मिला सकते हैं, जैसा मीठा आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग आप चीनी मिला सकते हैं। और ये जब मैंने अभी चीनी मिलाया है तो इसको जैसे जैसे मैं पकाऊंगी तो चीनी की वजह से इसमें और थोड़ा ये पतली हो जाएगी। चीनी को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको और पकने दूंगी। ये करीब करीब सूख गया है तो अब मैं इसमें डालूंगी घी और घी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ घी। इस चम्मच से मैंने 5 चम्मच घी इसमें डाला है और अब इसको मैं घी के साथ अच्छी तरह से भून लूंगी। लौकी के हलवे को मैं अभी कम से कम 8-10 मिनट तक अच्छी तरह से भून लूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये थोड़ा सा इलायची का पाउडर। लौकी का हलवा बनके तैयार है। अब इसमें से हलवे ने घी छोड़ना चालू कर दिया है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें थोड़े से बादाम और ये थोड़े से पिस्ते मिला देती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब ये हलवा पूरी तरह से तैयार है तो मैं गैस को अब ऑफ कर देती हूँ। लौकी का हलवा बनके तैयार है। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें और अगर ये आपको पसंद आता है तो मुझे भी बताएं। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।